ये जैसा कि आप अवगत हैं कि केडीए द्वारा लगातार जो भी भूमाफिया हैं या इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इस तरह की लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं पूरे क्षेत्र में, उसी के क्रम में आज ये भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हमारा जो अभियान विशेष रूप से, जो हमारा केडीए के द्वारा विशेष भूमाफियाओं के विरुद्ध, इलीगल कंस्ट्रक्शन के विरुद्ध लगातार चल रहा है, उसके क्रम में आज ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। क्या ये रूटीन कार्रवाई केडीए की? ये जो रूटीन कार्रवाइयाँ विशेष रूप से की जाती हैं उसके क्रम में है, क्योंकि लगातार केडीए अभियान चला रहा है उसी के। ये तो रूटीन कार्रवाई है। नई सड़क में जो बिल्डिंगों को लेके प्रशासन ने कुछ दी है आपको, कितने बिल्डिंगों को दी है, उसपे क्या कार्रवाई हो रही है? आज जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो जो भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार केडीए कार्रवाई कर रही है उसी के क्रम में, उसी की श्रृंखला में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आप लोगों ने आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से भी बहुत उसको समर्थन सपोर्ट मिला है कि जो इस तरह के कंस्ट्रक्शन है समाचार पत्रों में और मीडिया में, उनके विरुद्ध ये लगातार अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी जो इस तरह के इलीगल कंस्ट्रक्शन या भूमाफिया हैं उनके विरुद्ध जो है वो कार्रवाइयाँ चल रही हैं। नई सड़क की बिल्डिंगें जो हैं बड़ी बड़ी बन रही हैं, उससे पथराव हुआ, कितनी बिल्डिंगें हैं उस तरह की, उन पर कितने कार्रवाई हो गई? ये हमने बताया कि ये केडीए जो है सामान्य प्रक्रिया में उस नियमों के तहत कार्रवाई करता है, सुनवाई की प्रक्रिया होती है और मानक उसके होते हैं, उसके क्रम में कार्रवाई करता है और लगातार ये अभियान केडीए चला रहा है, उसके क्रम में ये जो आज का अभियान है उसी के क्रम में ये भी अभियान चल रहा है और लगातार जो भी इस तरह के भूमाफिया पाए जाएंगे, चिन्हित होंगे और नियमों के तहत जो कार्रवाइयाँ हैं उसको अपनाते हुए कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सर, ये जो कानपुर में हिंसा हुआ उससे कोई रिलेशन है इस संपत्ति का? मैंने बताया कि केडीए लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। आप लोगों ने जब लगातार उसको पेपर में प्रकाशित किया या आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ वो चीज़ें आई हुई हैं, उसी के क्रम में नॉर्मल प्रोसीजर में ये अभियान चल रहा है और आगे भी जो इस तरह के भूमाफियाँ हैं उनके क्रम में कार्रवाइयाँ की जा रही है। हमारा कहना है कि सिर्फ जो भी इस तरह के भूमाफियाँ होंगे वो लिंक है या नहीं इससे हमें नहीं मतलब रहता है। केडीए का अपना एक नियम कानून है, उसके तहत सुनवाई करते हुए और फिर आगे की कार्रवाइयाँ करते हैं। ये जैसा बताया जा रहा है कोई मोहम्मद इश्तियाक। अब रियल इस्टेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे लॉस ऑफ लीगेलिटी पाई जाती है और ये हम लोगों ने एग्जामिन किया है कि देर आर पॉसिबिलिटी रियल इस्टेट में बहुत से ऐसे लोग और यहाँ पे जो हमें जानकारी है कि तमाम इलीगल माइनिंग और इलीगली
निशंक निशंक कर ले बेटा निशंक, जो अभी बहुत दूर तक जांच की जाएगी और जिसके ढेर सारे डायमेंशन सभी सामने आएंगे। किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट मिला है? किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट मिला है क्या एज पर इनपुट अवेलेबल बोथ आर वेरी क्लोज इन रिलेशन एंड देयर आर रीजन टू बिलीव द इन्वेस्टमेंट हैज बीन मेड बाई द प्राइम एक्यूज ऑफ द केस। देखिए जो कुछ भी कार्यवाही हो रही है वो नियमों के अनुसार साक्षियों की उपस्थिति में और ये एडमिनिस्ट्रेशन टीम कानपुर कमिटेड है कि जहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार की इल्लीगलिटी है उसको एज ए टीम हैंडल करेगा और वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ एनी इल्लीगलिटी इन दिस। किसी भी घटना में इंटेंशन मैटेरिया ऑब्जेक्टिव प्लानिंग सारी चीजें होती हैं और इस इन्वेस्टिगेशन से भी सारी चीजों को एग्जामिन किया जाता है। सर हिंसा के जो आरोपी थे उसमें से किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है? मैंने ऑलरेडी इस विषय को पेश कर दिया। कानपुर से समीर जी, टीवी भारत के लिए।